लाभों के पुनर्वियोजन को समझने के बाद आइए अब हम समझते हैं कि लाभों के पुनर्वियोजन से होने वाली क्या क्या हानियां हैं। जैसे कि अभी तक हमने लाभों को के पुनर्वियोजन को समझा है, हमने ये जाना कि जब भी कोई लाभ होता है उसका कुछ भाग जितना डिस्ट्रीब्यूट करना है किसको, क्रेडिटर्स को यानी ऋणदाताओं को, फिर उसके बाद आता है पूर्वाधिकारी अंशधारियों को और उसके बाद संतानधारियों को। इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद या उसका वितरण करने के बाद जो भी है ना प्रॉफिट रिमेनिंग बचा हुआ है उसको एज अ सेविंग हमने रखा, इसे अभी तक हमने जाना है कि लाभों के पुनर्वियोजन के रूप में, इसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं या परिभाषित करते हैं। अब हम हानियों के देख रहे हैं क्योंकि हमने लाभों को जान लिया है, अब हम हानियों को देखते हैं। तो हानियां जो हैं आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से दिखाई जा रही हैं। पहले हानि जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है एकाधिकारों का बढ़ना। बिल्कुल सही बात है कि अगर कंपनी के ओनर के पास या जो कंपनी चला रहे हैं उन लोगों के पास उनका फंड, वो क्या कर रहे हैं अपने पास सेव करते चले जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि उनके पास एक अच्छी खासी सेविंग हो गई, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, उनका एकाधिकार बढ़ जाएगा और जो फंड उनको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, साथ ही साथ जो शेयर होल्डर्स को है ना अंशधारियों को जिस प्रकार के उनको अधिकार प्राप्त होने चाहिए थे वो उन अधिकारों से वंचित रह जाएंगे। तो इस स्थिति में ये होगा कि एकाधिकारों का बढ़ना हो जाएगा और उस कंपनी से रिलेटेड जितने लोग हैं उनके अधिकार कहीं ना कहीं छीन लिए जाएंगे। तो ये एक सबसे पहली हानि है। दूसरा हानि ये कहता है कि अंश मूल्यों में हेराफेरी। अंश मूल्यों में कैसे हेराफेरी होगी, क्या क्या कंपनी ने अपने अर्न किए गए प्रॉफिट को या जब कमाया गए प्रॉफिट को क्या किया, उन्होंने कम दिखाया ऑन पेपर से, ठीक है। अब क्या हुआ, उनसे क्या हुआ कि कंपनी के शेयर्स गिर गए, उनकी वैल्यू गिर गई। अब जैसे ही कंपनी की शेयर वैल्यू गिर गई उन्होंने क्या किया, जितने शेयर्स बेचे थे उनको क्या किया, वापस परचेस कर लिया और फिर अकाउंट्स में कुछ ऐसी फिर से चीज़ें दिखाई जिनसे उनकी शेयर वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। अब शेयर वैल्यू जैसे बढ़ती है लोग क्या करते हैं, अरे शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा तो आए इसको खरीद लें। तो कम वैल्यूज़ में उसको खरीद करके अगेन उसको हाई वैल्यूज़ में या ज़्यादा कीमतों पर बेच दिया गया, तो क्या हुआ इससे, इससे हुई अंश मूल्यों में हेराफेरी, ठीक है। तीसरा बिंदु देखते हैं कि तीसरी हानि कौन सी है। तीसरी हानि कहती है कि बचतों का दुरुपयोग करना। अब इसमें क्या होता है, जो भी सेविंग्स की हैं बचत की हैं वो हमने क्या करी है कि प्रॉफिट्स जो बचा था उसको करते सेव करते करते हमने एक अच्छे अमाउंट इकट्ठा कर ली। अब ये अमाउंट को हमने दूसरे इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, कहीं और विनियोग कर दिया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, जो ऑलरेडी विनियोगकर्ता थे हमारे साथ कंपनी में जुड़े हुए थे उनको इसका बेनिफिट नहीं मिल पाया, इससे होने वाले लाभ उन तक नहीं पहुँच पाए। तो ये एक तीसरी हानि थी जो कि लाभों के पुनर्वियोजन से होती है। चौथी हानि को देखते हैं। चौथी हानि कहती है अति पूंजीकरण। इसमें क्या होता है कि यदि एकत्रित संचित कोषों का प्रयोग क्या किया जाए, बोनस अंशों के रूप में जारी करके प्रयोग में लाया जाता है तो बाद में इससे अति पूंजीकरण की संभावना उत्पन्न हो जाती है। फिर पांचवी हानि को देखते हैं, विनियोक्ताओं की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप। बिल्कुल सही बात है क्योंकि अब सेविंग्स ज़्यादा हो गई है, लाभों में पुनर्वियोजन हो गया है, तो क्या हो गया है, अब जो ओरिजिनल ओनर है वो क्या हो गया है, वो पावरफुल हो गया है, तो वो क्या करेगा, जो डिफरेंट विनियोक्ता हैं वो उनके अधिकारों में हस्तक्षेप करेगा। वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि विनियोक्ता अब उनके अनुसार काम करे, या वो क्या कहेगा, हम आपको क्या करेंगे, अंश खरीद लेंगे और एनी हाउ आपको इन्वेस्टमेंट करने से रोक लेंगे। तो जो प्रॉफिट उनको मिल रहा है या लाभ विनियोक्ता कंपनी से अर्जित कर रहे थे वो रुक जाएगा, मतलब एक प्रकार का दबाव बनेगा और जो ओरिजिनल ओनर है वो क्या करेगा, उन पर दबाव डालेगा और चाहेगा कि ये जो विनियोक्ता है अब अपने हिसाब से कोई डिसीजन ना ले बल्कि विनियोग मैनेजमेंट या फिर ओनर के हिसाब से जो है डिसीजन लें।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके छठवें बिंदु की तरफ। छठवां बिंदु देखते हैं, छठवां बिंदु क्या कहता है। छठवां बिंदु कहता है कर दायित्वों के बचने के लिए। अब कर दायित्वों से बचने के लिए आप जैसे जानते हैं कि कुछ कंपनीज होती हैं जो टैक्स पे नहीं करती, हालांकि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले चैप्टर में किया है कि टैक्स पे करना क्यों ज़रूरी है ना। इससे क्या होता है, हम गवर्नमेंट को फाइनेंशियली हेल्प करते हैं और गवर्नमेंट इस टैक्स के अमाउंट का यूज़ अलग अलग कामों में करती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में करती है, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोज़गार, ठीक है, साथ साथ सड़कें बनवाने में करती हैं, और भी कई कार्य हैं जिसको करने के लिए हम जो एक कर देते हैं सरकार को, इस अमाउंट का उपयोग करती है। तब हम बिंदु की बात कर रहे हैं, जो पॉइंट हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो है कर दायित्व के बचने के लिए। तो यहाँ क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट्स को ऑन पेपर्स कम दिखा देते हैं, तो क्या होता है, उन पर जो लगने वाला टैक्स है उसका अमाउंट कम हो जाता है, है ना। इससे क्या हुआ, टैक्स की चोरी की बात आ गई है ना। तो यहाँ पे एक गलत बात सामने आती है और ये भी एक बहुत बड़ी हानि है किसकी, लाभों के पुनर्वियोजन से, ठीक है। हम अगले बिंदु की ओर चलते हैं। अगला बिंदु कहता है अंशधारियों से असंतुष्टि। कैसे होगा अंशधारियों से असंतुष्टि, क्योंकि अब मान लीजिए मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करती हूँ, मैं वहाँ की प्रॉफिट सॉरी शेयर होल्डर हूँ, ठीक है, अंशधारी हूँ। अब अगर कोई ओनर जो है वो क्या कर रहा है, लाभों का पुनर्वियोजन कर रहा है, अपने पास उसने इस वजह से एक अच्छी खासी अमाउंट जमा कर ली है और वो अपने हिसाब से जहाँ मन कर रहा है उसको वहाँ विनियोग कर रहा है, तो यहाँ मेरे मन में क्या भावना आ जाएगी कि भाई आखिर कंपनी तो हम सबके मिलजुल के चलाने से ही चल रही है ना, पैसा तो हम सबका बराबरी से लगा, किसी का थोड़ा कम लगा किसी का थोड़ा ज़्यादा लगा, लेकिन सबका योगदान है, तो अकेले एक बहुत बड़ी मात्रा में फ़ायदा या प्रॉफिट कोई एक ही क्यों लेके जाए, क्यों सिर्फ वो बंदा अपने बारे में सोच रहा है, हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, अंशधारियों के मन में असंतुष्टि की भावना आ रही है। तो यही एक सातवां बिंदु था या सातवीं हानि थी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो इस प्रकार बच्चों हमने लाभों के पुनर्वियोजन से होने वाले हानियों के बारे में जाना है। आपकी स्क्रीन पर ये सातों हानि एक साथ प्रदर्शित की जा रही हैं। आइए अब हम देखते हैं कि ऋण कोष और आधार पूंजी को समझते हैं। बच्चों अभी तक हमने जो है ओनर फंड्स को समझा है, हमने दो प्रकार के फंड्स जाने थे, एक तो क्या था ओनर फंड और दूसरा क्या था बोरोड फंड, ठीक है। तो ओनर फंड है ना, जो मालिकाना हक होता है उसके बारे में हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया। अब हम आते हैं बोरोड फंड की ओर, जिसे हम कहते हैं ऋण कोष, ठीक है। क्या है, सिंपल सा मानना है इसका कि क्या किया, जब हमको धन की आवश्यकता है, कोष की आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे, किसी से ऋण लेंगे। अब चाहे वो बैंक से ऋण लो या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ऋण लें या हम जनता से ऋण लें या हम ऋण पत्रों के थ्रू ऋण लें, है ना, कोई कंपनी ऋण पत्रों के थ्रू ऋण लें, तो इन अलग अलग तरीकों से हम क्या लेते हैं, ऋण लेते हैं, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, ऋण कोष कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं इसे, बोरोड फंड कहते हैं, ठीक है बच्चों। आइए हम ऋण कोषों से आशय को एक अच्छे शब्दों में जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब बच्चों जो ऋण कोष हमने समझा है उसमें हमने ये देखा है कि ऋण कोष वे कोष होते हैं कि जिसमें हम क्या करते हैं, यदि किसी कंपनी को धन की आवश्यकता होती है तो वो ऋण मांगता है ना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या कर सकते हैं, आपने हमेशा देखा होगा कि आपके घर में अगर पापा ने आपके डिसाइड किया है या आपने डिसाइड किया है कि घर बनाना है, अब घर बनाना इतना इजी तो नहीं है, है ना, कुछ फंड आपका होगा और कुछ क्या करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं से ऋण लेना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं बैंक से फंड ले लेते हैं, है ना, हम क्या लोन लेते हैं ना, तो वो लोन लिया, अब उस लोन पे क्या किया हमने, कैसे लोन लिया, कोई ना कोई क्या किया, सिक्योरिटी डिपॉजिट किया और उस पर लोन लिया, ठीक है। अब ये जो लोन लिया है ये लोन क्या हमको ऐसे ही मिल जाता है, नहीं, इस पे हमें क्या देना पड़ता है, एक फिक्स्ड रेट पे हमें क्या देना पड़ता है, ब्याज यानी इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, ऋण लेते हैं। तो यही एक कॉन्सेप्ट है ऋण कोष का भी, ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है ऋण कोषों का।
तो अभी हमने एक छोटे से एग्जाम्पल से या उदाहरण से समझा है, आइए इसको बड़े एग्जाम्पल में या उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी क्या करेगी, अलग अलग जगहों से ऋण लेगी। तो वो अलग अलग कौन कौन से प्रकार से ऋण ले सकती है, जैसे कि मैंने बताया ऋण पत्र के थ्रू ले सकती है, ठीक है, जिसे हम डिबेंचर कहते हैं इंग्लिश में। साथ फिर वित्तीय संस्थानों से ऋण ले सकती है, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अलग अलग ले सकती हैं। फिर आता है व्यापारिक बैंकों से ऋण ले सकती हैं। फिर उसके बाद आती है जन निक्षेप यानी पब्लिक से ले सकती है। फिर उसके बाद आती है अन्य स्रोत, बहुत सारे अलग अलग स्रोत हैं, सोर्सेस हैं, जैसे कि हास्य कोष है, व्यापारिक उधार है, सरकारी अनुदान एवं ऋण है, साथ ही साथ ग्राहक अग्रिम है। इसके अलावा भी ऐसे कई प्रकार हैं जिसका उपयोग करके कंपनी जो है अपने वर्किंग को कंटिन्यू करने के लिए या कंपनी को चलाने के लिए वो आवश्यकता पड़ने पर ऋण ले सकती है। आइए, जो हमने अभी अलग अलग प्रकार देखे स्क्रीन पर, जैसे कि ऋण पत्र और साथ ही साथ वित्तीय संस्थाओं से ऋण और भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में चर्चा करी, जहाँ से जो है कंपनी ऋण ले सकती है, ऋण कोष उपलब्ध करा सकती है। तो आइए इसको हम एक एक करके इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले देखते हैं कि जो ऋण पत्र हैं वो क्या होते हैं। तो ऋण पत्र क्या है, अगर हम इसे समझें तो ये एक प्रकार का बॉन्ड होता है जो कि कंपनी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। कंपनी क्या करती है, एक प्रकार का सर्टिफिकेट या रिटर्न फॉर्मेट इशू करती है, जिसमें वो क्या करती है, लोगों से ऋण लेती है। अब वो अलग अलग तरीके से ले सकती है, ठीक है, और इस बदले में इस ऋण पत्र को उन्हें देती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इन ऋण पत्रों के द्वारा जो ऋण लिया जाता है उस पर जो ब्याज दिया जाता है वो उस ऋण पत्र में लिखे हुई शर्तों के अनुसार ही दिया जाएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, इसकी अवधि क्या रहेगी। हालांकि ये जो ऋण पत्र होते हैं ये शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए इशू किए जाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इशू नहीं किए जाते। जो हमने पढ़ा था कि 0 से 6 माह तक के लिए है ना, और अच्छा 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के लिए, तो ऐसी ही स्थितियों में इन ऋण पत्रों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो ऋण पत्रधारी होते हैं ये इनका क्या होता है, कंपनी के किसी भी डिसीजन में लेने में कोई योगदान नहीं होता। हमने देखा था कि अंशधारियों का योगदान होता है लेकिन इनका ऐसा कोई योगदान नहीं होता। तो आइए हम इन ऋण पत्रों को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ इन्हें कुछ परिभाषाओं के माध्यम से स्पष्ट समझने की कोशिश करते हैं। आपकी स्क्रीन पर कुछ परिभाषाएँ इस प्रकार दी गई हैं, आइए देखते हैं। पहली परिभाषा जो दी गई है चिट्ठी जे ने दी गई है, इनके अनुसार जो ऋण पत्र से तात्पर्य एक ऐसे लेख से है जो या तो ऋण का निर्माण करता है या ऋण की स्वीकृति देता है, तथा कोई भी प्रतिलेख जो इनमें से कोई भी शर्तों को पूरा करे ऋण पत्र कहलाता है। आइए दूसरी परिभाषा देखते हैं, दूसरी परिभाषा क्या कहती है। ये पॉमर ने दी हुई हैं, उनके अनुसार यह एक ऐसा पत्र है जिस पर कंपनी की सार मुद्रा लगी होती है और जो ऋण का द्योतक होता है, ऋण का मान्यता देने की इसका मुख्य स्रोत होता है, ठीक है। अब हम तीसरे और एक और परिभाषा को पढ़ेंगे और समझेंगे और उसके बाद उसका एक निष्कर्ष निकालेंगे जो कि एक समरी जैसा होगा और आपको इसमें और इजीली उसको हम स्पष्ट करेंगे। तीसरी जो परिभाषा है वो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार दी गई है। तीसरी परिभाषा सर थॉमस ने दी है, उनके अनुसार सर थॉमस कहते हैं कि ऋण पत्र कंपनी की सार मुद्रा के अंतर्गत एक प्रलेख है जो कंपनी को मूलधन प्रदान करता है तथा उस पर एक निश्चित दर से ब्याज का भुगतान करने का अनुबंध है, जिसे प्राय कंपनी का स्थायी या परिवर्तनीय संपत्तियों का प्रभार देकर प्राप्त किया जाता है तथा जो कंपनी को दिए गए ऋण की स्वीकृति देता है। आइए हम देखते हैं कि इसके निष्कर्ष के थ्रू हम इसे और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं। अब हमने ये जो तीन डेफिनेशन जानी हैं या पढ़ी हैं इसके अनुसार हम इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो ऋण पत्र होता है एक बॉन्ड होता है, ठीक है, रिटर्न फॉर्मेट में दिया हुआ या लिखित रूप से दिया हुआ एक प्रलेख होता है जिसमें कि
कुछ चीज़ें होती हैं एज ए सिक्योरिटी क्या की जाती हैं, दी जाती हैं, और कंपनी क्या करती हैं, इन ऋण पत्रों को जारी करती हैं ऋण लेने के लिए। और इन ऋण पत्रों में क्या सारे अनुबंध दिए जाते हैं कि किस प्रकार और कितना और कौन सी अवधि तक ये ऋण पत्र मान्य रहेंगे, और किस ब्याज दर से इनको जो है मूलधन के साथ इनका ब्याज भी दिया जाएगा, और मूलधन की वापसी कब की जाएगी। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने ऋण पत्र को जाना है और समझा है। आइए अब इनकी विशेषताओं के द्वारा इनको और अच्छे तरीके से जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। आइए इनकी स्थिति देखते हैं। जो ऋण पत्र धारी होते हैं वो क्या करते हैं, उनको फंड लेना होता है ना, ठीक है। अभी फंड दिया उन्होंने, ऋण पत्र लिया, अब उनको क्या करना है, जब तक ये ऋण पत्र चलेगा वो लेनदार होंगे, ठीक है। अब विनियोग का प्रतिफल क्या होगा, इनको विनियोग जो किया है, ठीक है, अब ये जो विनियोग करते हैं उनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है या ब्याज में दिया जाता है। फिर है वापसी की अवधि, वापसी की अवधि वो भी ऋण पत्र में मेंशन होगी या लिखित रूप में होगी कि किस प्रकार इनको कितना फंड दिया जाएगा या कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको दिया जाएगा, ब्याज की दर क्या होगी, कहने का मतलब क्या है, और वापसी का क्रम क्या होगा। देखिए, आपने अभी तक जाना है कि जब भी कंपनी चल रही है, ठीक है, अभी कंपनी का समापन की बात नहीं कर रहे हैं हम, कंपनी अभी रनिंग स्टेट में है, कंटिन्यू कर रही है, तो स्थिति में क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट होता है वो पहले क्रेडिटर्स को यानी ऋणधारी को जाता है, ठीक है, उसके बाद किसको जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, है ना, और उसके बाद किसको जाता है, समतांशधारी को जाता है। तो यही स्थिति कंपनी के समापन पर भी होगी कि सबसे पहले जब भी पूरी देनदारी की जाती है कंपनी के समापन के बाद, तो सबसे पहले वापसी किसकी होगी, कौन किनके ऋणों को चुकता किया जाएगा, क्रेडिटर्स यानी यही ऋणधारियों के, फिर उसके बाद किसकी होगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की होगी, फिर किसकी होगी, संतांशधारी की होगी। तो वापसी के क्रम में हमेशा जो ये ऋण पत्रधारी होते हैं ये पहले नंबर पे होते हैं, ठीक है। और जारी करने की शर्तें क्या होंगी, इनको जारी करने की विभिन्न शर्तें होंगी जो इनमें मेंशन होंगी, और इनके साथ क्या क्या सिक्योरिटीज़ होंगी वो भी इनमें लिखी होंगी, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं कि ऋण पत्र के प्रकार क्या क्या हैं। हम ऋण पत्र के प्रकार देख रहे हैं, उसमें सबसे पहला जो ऋण पत्र का प्रकार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें लिखा है सुरक्षित तथा असुरक्षित ऋण पत्र, ठीक है। इसमें क्या होता है, सुरक्षित ऋण पत्र वे होते हैं जिसमें सिक्योरिटी के रूप में जो कंपनी की चल संपत्ति को क्या किया जाता है, एक सिक्योरिटी के रूप में डिपॉजिट किया जाता है या उसके पेपर्स डिपॉजिट किए जाते हैं, ठीक है। अब ये सुरक्षित होते हैं क्यों, क्यों ना क्योंकि कोई ना कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट ऋणधारियों के पास है, है ना। लेकिन यही अगर हम बात करें कि ऐसे ऋण पत्र जहाँ पर इस तरह की चल संपत्ति का कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं होता, वहाँ पर इस तरह के ऋण पत्र को हम क्या कहते हैं, असुरक्षित ऋण पत्र कहते हैं, ठीक है। इसे हम एक प्रकार से नग्न ऋण पत्र भी कहते हैं, आपके पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, ठीक है। तो सुरक्षित ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिनमें सिक्योरिटी के रूप में हम चल संपत्तियों को रखते हैं, और जो असुरक्षित ऋण पत्र होते हैं वो ऐसे ऋण पत्र होते हैं जिनमें इस प्रकार के कोई जो सिक्योरिटीज डिपॉजिट नहीं किए जाते, ठीक है। फिर बात आती है रजिस्टर्ड एवं वाहक ऋण पत्र की। रजिस्टर्ड ऋण जो ऋण पत्र होता है इसमें क्या होता है कि पंजीकृत धारकों को ही ये जो ऋण पत्र इशू किए जाते हैं, और इसके अलावा ये ऋण पत्र और भी किसी ऋणधारी को, ऋण पत्रधारी को इशू नहीं किए जाएंगे। इसका ठीक विपरीत वाहक ऋण पत्र होता है, जो भी जो इस तरह के ऋण पत्र को लेने में इंटरेस्टेड हों या अपने जो कहते हैं धन को या कोष को विनियोग करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, उन लोगों को ऋण पत्रों के थ्रू, वाहक ऋण पत्रों के द्वारा ही हम जो कंपनी है क्या करती है, उन लोगों को वाहक ऋण पत्र इशू करती है, ठीक है। तो वाहक ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जो ठीक रजिस्टर्ड ऋण पत्र के विपरीत काम करते हैं। इनमें
किसी भी प्रकार का पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। फिर बात आती है शोध तथा अशोध ऋण पत्र। शोध ऋण पत्र होते हैं जो एक दिए गए समय के बाद जिनमें शोध होता है, लेकिन अशोध ऋण पत्र वे होते हैं जो जब तक समय है वो उसी तरीके से चलता रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का शोध नहीं किया जा सकता। ठीक है, परिवर्तनशील तथा अपरिवर्तनशील ऋण पत्र। परिवर्तनशील ऋण पत्र वो ऋण पत्र होते हैं जिसको कुछ समय के बाद समता अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, और अपरिवर्तनशील ऋण पत्र वे पत्र होते हैं जिनको बाद में समता अंशों में परिवर्तित नहीं किया जाता। अब समता अंशों में क्यों परिवर्तित किया गया? हमने पढ़ा है कि जो समता अंशधारी हैं वो कंपनी के डिसीजन में उनका योगदान होता है या कंपनी के मैनेजमेंट में उसका होल्ड होता है, मतलब कंपनी के किसी भी विकास के कार्य में जो ये समता अंशधारी होते हैं वो अपना डिसीजन दे सकते हैं। तो अगर कोई ऋण पत्रधारी इस प्रकार परिवर्तनशील ऋण पत्र अगर उसको इशू किया जाता है कि वो कुछ समय पश्चात एक निश्चित समय के बाद इस ऋण पत्र को समता अंश में बदल सकता है, तो इसे हम कहते हैं परिवर्तनशील ऋण पत्रधारी। और ठीक इसके विपरीत होता है अपरिवर्तनशील ऋण पत्रधारी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने ऋण पत्र के प्रकार को जाना है और समझा है। अगली बात आती है कि ऋण पत्रों से लाभ। देखिए, अब ऋण पत्रों से लाभ किस किस को होगा? पहला तो कंपनी को होगा। तो आइए देखते हैं कंपनी को किस प्रकार का लाभ होता है इन ऋण पत्रों से। ठीक है, तो पहला होता है प्रबंध में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं। बिल्कुल सही बात है, हमने अभी तक जाना है कि जो समता अंशधारी होते हैं उनका प्रबंध में हस्तक्षेप होता है, लेकिन हम यही बात कर रहे थे कि जो ऋण पत्रधारी होते हैं इनका किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, है ना? क्योंकि जब भी कोई भी डिसीजन लेना होता है कंपनी के विकास के लिए, है ना, कंपनी के डेवलपमेंट के लिए, उसके विस्तार के लिए, ग्रोथ के लिए, तो हम क्या करते हैं, समता अंशधारी जो होते हैं उन निर्णयों को ले सकते हैं। लेकिन जब हम ऋण पत्रधारियों की बात करते हैं तो ऋण पत्रधारियों को अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं कि वो किसी भी प्रकार की कंपनी के मामलों में या उसके प्रबंध के मामलों में हस्तक्षेप कर सकें। जो दूसरा कंपनी को लाभ होता है वो है स्थायी ब्याज। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि ऋण पत्र में उसके प्रलेख में लिखित होता है उतना ही परसेंटेज के बेसिस पे उनको इंटरेस्ट दिया जाता है, है ना? ऋण पत्रधारियों की एक विशेषता ये भी होती है, चाहे कंपनियों को लाभ हो या ना हो, है ना, या ज़्यादा हो या कम हो, इसे ऋण पत्रधारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ऋण पत्रधारी वे होते हैं जो क्या करते हैं कि उनको जो मिलने वाला ब्याज है वो उनके पत्र में लिखे गए अनुबंध के अनुसार या प्रलेख के अनुसार उनको दिया ही जाएगा, है ना, उसमें कोई कमी नहीं होगी, जैसे दिया है वैसे ही दिया। लेकिन अभी तक हमने समता अंशधारियों, पूर्वा अधिकारी अंशधारियों में क्या पढ़ा कि अगर प्रॉफिट कम होते हैं या प्रॉफिट बढ़ते हैं तो क्या होता है, उसका बेनिफिट इन लोगों को मिलता है। लेकिन यहाँ पर जब कंपनी के लाभ की बात आ रही है और जब उसमें हम ऋण पत्रधारियों की बात कर रहे हैं तो इनका जो ब्याज होता है वो होता है वो एक रिटर्न फॉर्मेट में लिमिटेड होता है, कंपनी के प्रॉफिट से या लॉस से इनको कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है समान अधिकारी शेयरों के लाभ को बढ़ाने की सुविधा। बिल्कुल सही बात है, अब इसमें भी क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि इनको भी अधिकार होते हैं कि शेयरों के लाभ को बढ़ाया जा सके, क्योंकि इनका भी कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट होता है। अब ये ऋण पत्र जारी जब इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ फंड देते हैं, तो उस रीज़न से कंपनी को क्या फ़ायदा होता है ना, कंपनी को पास क्या आता है, कोष आता है, और कोष के कारण वो क्या कर सकती है, अपने कार्यों को सुचारू रूप से चला सकती है, जिसके कारण क्या होता है, ये क्या कर सकती है, समान अधिकार रूप से उन कोषों का इस्तेमाल करती है और कंपनी के फायदे में कार्य करती है। फिर बात आती है आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति। बिल्कुल सही बात है, ये जो ऋण पत्र धारी होते हैं या जो ये ऋण पत्र होते हैं, एक्चुअल वर्ड जो ऋण पत्र हैं, ये हेल्प करते हैं कि जो वर्किंग कैपिटल है वो क्यों यूज़ होता है, कि
जो रोज़मर्रा के जीवन में या रेगुलर जो खर्च आते हैं कंपनी के, है ना, वो इस्तेमाल करें। अब कंपनी के पास कुछ समय के लिए फंड कम हो गया है तो क्या कर रहे हैं, वो ऋण पत्र इशू कर रहे हैं, डिबेंचर इशू कर रहे हैं। तो डिबेंचर इशू करेंगे तो क्या आएगा, कोष आएगा। तो जो आकस्मिक अनप्लान्ड एक्सपेंसेस या खर्च आए हैं उनके पास, वो क्या कर सकते हैं, इन ऋण पत्रों को जारी करके उनसे प्राप्त कोषों के द्वारा वो अपने इन आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों ये थे कंपनी को होने वाले लाभ ऋण पत्रों के द्वारा। आइए अब हम देखते हैं कि विनियोक्ताओं को क्या लाभ होते हैं। हमने कंपनियों के लाभ को जान लिया है, अब हम देखेंगे कि विनियोक्ताओं को क्या लाभ है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं विनियोक्ताओं को होने वाले लाभ, ठीक है। तो पहला है न्यूनतम जोखिम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ऋण पत्रों से, है ना, न्यूनतम जोखिम होता है ना। कैसे, क्योंकि इन्होंने जो है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही वो ऋण पत्र इनको इशू किए गए हैं या कंपनी ने उनसे ऋण लिया हुआ है। और जो भी इनके बीच मतलब ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लेन देन होता है, वो क्या होता है, उस ऋण पत्र में लिखे हुए प्रलेख के अनुसार ही होता है या ऋण पत्र के अनुसार ही किया जाता है। और साथ साथ यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं इसमें विनियोक्ताओं को न्यूनतम जोखिम का सामना करना पड़ता है या जोखिम नहीं के बराबर कह सकते हैं। फिर बात आती है स्थायी तथा निश्चित आय होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कंपनी को लाभ अत्यधिक हो ना हो या कंपनी को लॉस हो, इन सभी स्थितियों में ठीक होगा क्या होगा, इन तीनों ही स्थितियों में जो ऋण पत्रधारी होते हैं उनको एक स्थायी और निश्चित आय प्राप्त होती है। जो भी ऋण पत्र में मेंशन रेट है, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको मिलना है, इन्वेस्टमेंट जितना उन्होंने किया है, विनियोग किया है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में उनको मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे जितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट मिलना है वो उनको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि उनका जो आय है वो स्थायी और निश्चित हो गया। ऐसा नहीं है कि कंपनी को ज़्यादा लाभ हो रहा है तो इनको भी उतना ही लाभ मिलेगा उसी परसेंटेज के बेसिस पे, और प्रॉफिट अगर नहीं और लॉस में गई कंपनी तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। इनको इनका जो आय है वो कंटिन्यूटी बनी रहती है, इनके आय में मतलब निरंतर बनी रहती, सतत रहता है, किसी भी प्रकार का कोई ब्रेकेज नहीं आता है इसमें, ठीक है। फिर है अन्य उत्तरदायित्वों से मुक्ति होती है, मतलब इनके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं होती। कंपनी अगर लॉस में जा रही है तो ये लायबिलिटी मुक्त होते हैं, क्योंकि अगर कंपनी जो है समापन के कगार पर भी आ गई है या समाप्त भी हो गई है तो सबसे पहले ये क्रेडिटर्स ही होते हैं या हम कह सकते हैं ऋण पत्रधारी ही होते हैं जिनका पूरा हिसाब किया जाता है, और सबसे पहले धन की सुपुर्दगी इन्हीं को दी जाती है या फंड इन्हीं को उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। तो ये थे विनियोक्ताओं को लाभ। हमने देखा कि ऋण पत्रों से कंपनी को क्या लाभ हुआ और विनियोक्ताओं को क्या लाभ हुआ। आइए अब हम देखते हैं कि इन्हीं ऋण पत्रों से होने वाली हानियाँ क्या क्या हैं। सबसे पहले कंपनी को क्या क्या हानि होती है ये जान लेते हैं कि कंपनियों को क्या हानियाँ हो रही हैं। पहली जो हानि होती है वो कंपनी की साख में कमी आ जाती है। भाई एक हर मार्केट का एक अपना, जैसे सोसाइटी का अपने एक सोच होता है ना, वैसे ही हर मार्केट का अपने एक सोच होता है, ठीक है। अगर कंपनी ऋण पत्र इशू कर रही है या डिबेंचर इशू कर रही है तो मार्केट में एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है या मार्केट में अन्य लोगों को या अन्य बिजनेस मैन को या अन्य व्यवसायियों को ऐसा लगने लगता है कि शायद इनके पास कोषों की बहुत कमी है या कंपनी जो है आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, इसलिए इनको डिबेंचर इशू करने पड़ रहे हैं या ऋण पत्र इशू करने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो अगर इनको डिबेंचर इशू करने पड़ रहे हैं तो ये अपने रोज़मर्रा के काम के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए या आकस्मिक कोई खर्च आ गए हैं तो उसके लिए ये क्या करते हैं, ऋण पत्र जारी करते हैं। लेकिन इनकी ये पहली हानि होती है, ये ऐसा माना जाता है कि शायद कंपनी की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, कंपनी अपने छोटे छोटे खर्चों को उठाने में उतनी
जो है पावरफुल नहीं है या उपयुक्त नहीं है, इसलिए क्या कर रही है, ऋण पत्र जारी कर रही है। इससे क्या होता है, कंपनी की साख में कमी आ जाती है। दूसरी चीज़ ये हो रही है कि ब्याज देना अनिवार्य है। बिल्कुल सही बात है। क्या है कि कंपनी अगर लॉस में भी चली गई, ठीक है, तो भी क्या करेगी, उनको ऋण पत्रधारियों को ब्याज देना ही है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी समापन में चली जा रही है ना, लेकिन फिर भी उनको जो देनदारी इन ऋण पत्रधारियों को देना है वो तो देना ही है, अकॉर्डिंग टू द जो डिबेंचर सर्टिफिकेट उन्होंने बनाया है या डिबेंचर इशू हुआ है उनको, हम कह सकते हैं उस प्रलेख के तहत उनको ब्याज देना ही है, मतलब ब्याज देना अनिवार्य ही माना जाता है, ठीक है। तीसरी जो हानि है वह है संकट काल में उपयुक्त नहीं। बिल्कुल सही बात है, ये जो ऋण पत्र है वो संकट काल में बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी के पास खुद के लिए फंड नहीं है, जैसे मंदी काल मान लेते हैं, कंपनी के पास खुद का फंड कम है, उसको उल्टा और ऋण पत्रधारियों को और ब्याज देना है ना, तो ये क्या हो गया, थोड़े से और इकोनॉमिकली वीक कर रहा है कंपनी को। ऑलरेडी मंदी काल में कंपनी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, और उस पर क्या हो गया, अगर ऋण पत्र उन्होंने दे रखे हैं तो उस स्थिति में क्या होगा कि उन पर और एक बोझ बन जाएगा, तो संकट काल में ये ऋण पत्र उपयुक्त नहीं है। फिर बात आती है सामान्य रूप से लाभदायक नहीं है, जो ये ऋण पत्र होते हैं सामान्य रूप से बिल्कुल भी लाभदायक नहीं होते हैं। तो ये थे कंपनी को ऋण पत्रों से होने वाली हानियाँ। आइए हम देखते हैं अब विनियोक्ताओं को किस प्रकार की हानियों का सामना करना पड़ता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला जो हानि है या पहली जो हानि है वो कह रही है कंपनी के प्रबंध में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि हमने देखा है कि समताधारियों को क्या होता है, कंपनी के प्रबंध में हस्तक्षेप का अधिकार होता है, लेकिन ठीक उसके विपरीत ऋण पत्रधारियों को किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं होता है ना, ठीक है। और वो क्या कर सकते हैं, किसी भी मैनेजमेंट के डिसीजन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, कंपनी के विकास को लेकर, कंपनी के विस्तार को लेकर, चाहे कोई भी डिसीजन लेना हो, है ना, मैनेजमेंट का, उसमें ये जो ऋण पत्रधारी होते हैं या विनियोक्ता होते हैं इनका कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। फिर बात आती है कंपनी की प्रगति का लाभ नहीं, ठीक है। इनका क्या होता है, जो डिबेंचर इशू किए गए हैं उसमें मेंशन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है, ठीक है, लिखा हुआ है कि इतना ब्याज देना है तो इतना ही ब्याज मिलेगा उनको, ठीक है। अगर कोई कंपनी लाभ में है, प्रगति कर रही है, तो उनसे इन ऋण पत्रधारियों को या विनियोक्ताओं को कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो ये थी हानियाँ जो कि ऋण पत्रों से होती हैं, किसको, कंपनी को, और दूसरा हमने अभी जाना है विनियोक्ताओं को। आइए हम देखते हैं कि भारत में, ठीक है, भारत में जो है वो इन ऋण पत्रों का इस्तेमाल कम क्यों है या उनकी स्थिति क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में इन ऋण पत्रों का इस्तेमाल कम किया जाता है, उसके पीछे कुछ कारण हैं जो हम जानेंगे, और ये जो कुछ कारण या रीज़न है वो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से दिखाए गए हैं। सबसे पहली बात है प्रचार का अभाव, मतलब आज भी देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इन डिबेंचर्स को किस तरीके से इशू किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, ये खुद अपने फंड को किस तरीके से विनियोग कर सकते हैं डिबेंचर्स में, ये इन सब जानकारियों का अभाव है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जानकारियों का अभाव है, तो क्यों अभाव है, क्योंकि उनको जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो प्रचार नहीं है, है ना, लोग इसे जानते नहीं हैं, लोगों के बीच इसकी जानकारी नहीं और प्रचार भी नहीं है इन चीज़ों का। तो पहला बिंदु ये कहता है कि यहाँ पे प्रचार का अभाव है। दूसरा बिंदु कहता है कि कंपनी की प्रतिष्ठा में कमी आती है। बिल्कुल सही बात है, हमने इससे बात कही कि एक मार्केट का टेंडेंसी होता है कि अगर कोई कंपनी अपने रेगुलर एक्सपेंसेस के को अफोर्ड नहीं कर सकती, मतलब अपने रोज़मर्रा के खर्चों को वो खुद नहीं निकाल सकती, तो वो कंपनी कहीं ना कहीं फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली या वित्तीय रूप से कमज़ोर मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कंपनी की प्रतिष्ठा में कहीं ना कहीं कमी आती है, जो बाकी अंशधारी हैं या बाकी शेयर होल्डर्स हैं वो भी क्या हो सकते हैं, उनका भी जो एक ट्रस्ट है कंपनी पर कि नहीं
अपना कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी बढ़ रही है, कंपनी अच्छा काम कर रही है, इन फ्यूचर वो डेवलप कर सकती है, वो अपने आप को ग्रोथ कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें लोगों के बीच ऐसा एक एजेंडा आ जाता है, या हम कह सकते हैं एक ऐसी भावना आ जाती है कि नहीं, कंपनी जो है उसकी जो इकोनॉमिक स्थिति है वो सही नहीं है। तो इससे क्या होते हैं, उनके हो सकता है बाकी भी अंशधारी हैं वो अपने अपने हाथ पीछे खींच ले। तो इसीलिए भी ऋण पत्र हमारे देश में उतने इस्तेमाल में नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि कंपनी की प्रतिष्ठा में इससे कमी आ जाती है। फिर तीसरा बिंदु जो है वो कहता है शर्तों का आकर्षक होना। बिल्कुल सही बात है कि ये जो ऋण पत्र हैं उनमें जो शर्त होते हैं वो आकर्षक नहीं होते, क्योंकि देखिए कोई भी अपना फंड इन्वेस्ट तभी करना चाहेगा जब उसको एक अच्छा वापस मिले, रिटर्न मिले, है ना। हम भी कहीं इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं अगर हमको अच्छा रिटर्न मिलता है। तो यहाँ आकर्षक रिटर्न्स जो हैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, या कह सकते हैं यहाँ शर्तें जो हैं वो आकर्षक नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर हमारे देश में इन ऋण पत्रों का उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं किया जाता है। फिर बात आती है स्वतंत्रता व संगठित बाज़ार ना होना। यहाँ पे इस प्रकार का कोई भी बाज़ार नहीं पाया जाता है, और यह बहुत ही कह सकते हैं मूर्त रूप में काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं पीछे छुपा है, बैकग्राउंड में सब काम चलता है, मतलब बहुत सामने ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो लोग ना ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं, ना लोग ज़्यादा जानते हैं, और ना ही इनसे इनमें लोगों को ज़्यादा फ़ायदा दिखता है। ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि क्या हो रहा है कि ये हमारे देश में ज़्यादा उपयोग में नहीं लाई जाती हैं। फिर बंधक की कठिनाई होती है कि यहाँ पे लोग अपने आप को क्या फंसा से महसूस करने लगते हैं, ऐसा लगता है उनको कहीं हमारा फंड फंसा ना रह जाए, कहीं इसके अलावा हम कहीं और इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है हमको रिटर्न्स भी मिले। कंपनी जो है अगर प्रॉफिट गेन कर रही है और उनमें अगर उनको रिटर्न नहीं मिल रहा है, केवल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इस क्षेत्र में भी क्या हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है नहीं हमारा तो जो इन्वेस्टमेंट था वो फंस गया। तो यहाँ क्या होते हैं, जो ऋण पत्रधारी होते हैं वो अपने आप को एक बंधक की तरह महसूस करने लगते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो कोष उन्होंने इन्वेस्ट किया है, विनियोग किया है, उस पर प्रॉपर जो उनको रिटर्न आने चाहिए ब्याज के अलावा भी वो नहीं मिल रहा है। तो इसलिए भी हम जो हैं ज़्यादातर इन ऋण पत्रों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर उसके बाद आती है सरकारी उदासीनता। यहाँ पे सरकारी उदासीनता की भी बात आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत नहीं बनाए गए हैं, या उस पर बहुत सारे एक्ट नहीं हैं जिससे कि ये जो एक्शन है वो आकर्षक लगे, ये ऋण पत्र आकर्षित करे, और ऋण पत्रधारियों को ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर बात आती है उचित परामर्श का अभाव। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि मैंने पहले बताया था प्रचार का अभाव है, तो परामर्श का भी अभाव है, क्योंकि लोग इन चीज़ों को अच्छे तरीके से जानते नहीं हैं, उनसे होने वाले फ़ायदों को नहीं समझ पाते हैं, और एक किस तरीके से कंपनी के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में साथ दे पाएंगे वो भी इन चीज़ों को नहीं समझ पाते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उचित परामर्श का अभाव सामने आ रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अभी जो ऋण पत्र हैं वो हमारे देश में बहुत प्रचलित क्यों नहीं है, या कम प्रचलित है, इसके कुछ कारण हमने जाने हैं। आइए अभी हम और एक दो रीज़न देखते हैं। एक और रीज़न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो है अभिगोपकों का अभाव। यहाँ पे अभिगोपकों का अभाव भी पाया जाता है, साथ ही साथ इनका अत्यधिक अंकित मूल्य है जो है, इनका जो मूल्य है अत्यधिक अंकित होता है कंपेरेटिव अदर थिंग्स, इसीलिए भी जो है हमारे देश में जो है वो क्या माने जा रहे हैं, इन जो जितने कारण हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन सभी कारणों की वजह से ही जो ऋण पत्र हमारे देश में उतने प्रचलित नहीं है। अब ऋण पत्र के बारे में हमने अच्छे से जान लिया है, ठीक है, बोरोड फंड्स में चर्चा कर रहे थे हम, ऋण पत्र पहला था, ऋण पत्र जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि सार्वजनिक जमा या जन निक्षेप क्या है, पब्लिक डिपॉजिट्स। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या पब्लिक डिपॉजिट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती, पब्लिक अपना जो फंड है या कोष है बिल्कुल वो डिपॉजिट कर सकती है। सबसे बड़ी बात, ये जो डिपॉजिट होते हैं ये अल्पकालीन या मध्यकालीन के लिए ही किए जाते हैं, मतलब 0 to 6 months के लिए या
1 ईयर to 5 ईयर्स तक के लिए ही ये इन्वेस्टमेंट प्लान किए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा रिटर्न जो है वो पब्लिक को यहीं से मिलेंगे, ठीक है। अगर वो बैंक में अपने फंड को इन्वेस्ट करते हैं ना, ठीक है, हम क्या कर लेते हैं कि बैंक में अपना एक FD कर ले, ठीक है, लेकिन जो रेट ऑफ रिटर्न वहाँ मिलना चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न किसको मिलेगा यहाँ पे जन निक्षेप में, किसको मिलेगा, जनता को मिलेगा। तो यहाँ किसका फ़ायदा हो रहा है, ओवरऑल जनता का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि कंपनी को कुछ रीज़न से बीच बीच में फ़ंड की आवश्यकता होती है, अब बोरो करना है, तो ये अलग अलग तरीके से जो कंपनी है वो क्या कर सकती है, क्या कर सकती है, जनता से फंड ले सकती है, ठीक है। हमने जान लिया कि जन निक्षेप क्या है। आइए अब हम देखते हैं कि जो जन निक्षेप है उससे उसकी कुछ विशेषताओं को देखते हैं या उससे होने वाले लाभों को देखते हैं। सबसे पहली बात आती है कि इसमें कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं होती, ठीक है, इसमें बहुत ही मिनिमम पेपर वर्क होता है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता, तो जिससे क्रिटिकल नहीं होता, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बहुत कठिन नहीं होता, ये एकदम सीधा सीधा प्रोसेस होता है, जिससे कि ये जो जन निक्षेप करना आसान जाता है, इसमें जो लोग हैं वो भी अपना पैसा जो है इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, और साथ साथ उनको जो रिटर्न्स मिल रहे हैं जो वो भी इजीली उनको टाइम टू टाइम मिलेंगे और कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलेंगे। दूसरी चीज़ है मितव्ययी है, इसमें क्या होता है कम अमाउंट भी लगाना पड़ता है, एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगाना पड़ता, जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको रिटर्न्स भी मिलेंगे, यानी आपको वापसी भी मिलेगी, जो वापस होने वाला मूल्य है वो मिलेगा। फिर है इससे अधिक लाभ होता है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको रिटर्न जो है या वहाँ पे जो मिलने वाली ब्याज की दर है वो कम होगी, लेकिन यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं इन्वेस्ट करते हैं या विनियोग करते हैं तो यहाँ से मिलने वाले ब्याज की दर कंपेरेटिवली ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर बात आती है कि कंपनी की संपत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है कि इससे कंपनी की संपत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, जो लोग बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं अपना थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो इससे कंपनी की संपत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी की संपत्तियों को इसमें एज ए सिक्योरिटी नहीं रखा जाता है, ठीक है। फिर बात आती है कि यहाँ नियंत्रण कम ना होना, यहाँ पे जो कंपनी है उसका नियंत्रण कम नहीं होता, हालांकि फंड जो है जनता देती है, लेकिन क्या होता है कंपनी का कंट्रोल कंपनी पर बना रहता है, ठीक है, और पूंजी ढांचे में लोच आता है, बिल्कुल यहाँ पे पूंजी के ढांचे में फ्लेक्सिबिलिटी लोच बना रहता है, यदि पूंजी की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो उसे वापस कर दिया जाता है, ठीक है, और यदि पूंजी की और अधिक रिक्वायरमेंट है तो फिर से पूंजी को एकत्रित किया जाता है। तो इस तरीके से हम जन निक्षेप से होने वाले लाभों को हमने जाना है। अब हम देखते हैं कि इन जन निक्षेप से होने वाली हानियाँ कौन कौन सी हैं। ये कुछ हानियाँ आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। पहली हानि कहते हैं कि नए व्यवसाय के लिए अनुपयुक्त है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट हो रहा है या कोई नया बिजनेस चालू हो रहा है, कोई भी अपना पैसा क्यों लगाएगा किसी कंपनी में, है ना, जब तक उस कंपनी पर उसका ट्रस्ट नहीं होगा। ट्रस्ट कब आता है, जब कंपनी का अपना एक मार्केट वैल्यू होता है ना, कंपनी हर कंपनी हर व्यवसाय अपने बाजार में अपनी एक साख बना के रखती है, उसका एक अपना जो होता है रिस्पेक्ट होता है कि नहीं वहाँ पे ये कंपनी बहुत ट्रस्टवर्दी है, या इस कंपनी की आय सालाना इतनी है, अगर हम इतना पैसा लगाएंगे तो हमको रिटर्न्स इतना मिलेगा, तो ये साख की बात है, ठीक है। तो अगर नई कंपनी है तो उसको साख जमाने में कुछ समय लगेगा, तो यहाँ पे जब नई कंपनियों की बात आती है तो जन निक्षेप लेना बहुत ही थोड़ा मुश्किल पाया जाता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे नए व्यवसाय के लिए ये जन निक्षेप जो होता है अनुपयुक्त होता है, लोग उतने जल्दी क्या होते हैं ट्रस्ट नहीं कर पाते, विश्वास नहीं कर पाते, और इसी कारण वो अपना पैसा लगाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। हम दूसरी बात करते हैं साफ मौसम का साथी, ये एक प्रोवर्ब जैसा हो गया, कहने का मतलब है कि
जब तक कंपनी की स्थिति अच्छी चल रही है जन निक्षेप आप ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही कंपनी की स्थिति थोड़ी भी डगमगाती है जन निक्षेप वापस ले लिए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब तक इंसान का समय अच्छा चल रहा है, लोग साथ चल रहे हैं, और समय खराब हुआ तो लोगों ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। ये एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल आपको इजीली समझने के लिए समझाया है। कंपनी की अगर हम बिजनेस में देखें तो बिजनेस अगर अच्छा चल रहा है तो जन निक्षेप मिलना आसान है, लेकिन अगर बिजनेस में थोड़ा भी फॉल आया, डाउनफॉल आया, बिजनेस थोड़ा भी मंदी काल में गया है ना, तो स्थिति में जन निक्षेप मिलना कठिन हो जाता है। ठीक है, फिर बात आती है दीर्घकालीन वित्त के लिए उपयुक्त नहीं है। बिल्कुल सही बात है, जैसे मैंने पहले ही जब जन निक्षेप को एक्सप्लेन किया था उसी समय बताया कि ये शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए होते हैं। इसमें जो विनियोग होता है, जो वित्त होता है, वो इन्हीं दो स्थितियों में उपयुक्त होता है, दीर्घकालीन के लिए वित्त उपयुक्त नहीं है, क्योंकि हम ये जो वित्त आता है उसको एज अ वर्किंग कैपिटल यूज़ करते हैं ना। ठीक है, फिर बात आती है ब्याज की ऊंची दर। यहाँ पे जो दर होती है कंपैरेटिवली ब्याज की ऊंची होती है ना, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि अगर हम जन निक्षेप के थ्रू फंड दे रहे हैं तो अगर एज ए कस्टमर है ना, जन निक्षेप होल्डर हूँ मैं, तो मैं अगर अपना पैसा किस में लगाती हूँ, बैंक में लगाती हूँ, तो मुझे ब्याज कम मिलेगा। लेकिन अगर हम जन निक्षेप किस में करती हूँ कंपनी में करती हूँ, तो उस स्थिति में मुझे क्या मिलेगा, मुझे ब्याज ज़्यादा मिलेगा। तो यही इसका चौथा पॉइंट है। फिर बात आती है पूंजी बाजार के विकास के लिए हानिकारक है। बिल्कुल सही बात है, जन निक्षेप जो है पूंजी बाजार के विकास के लिए बिल्कुल हानिकारक होता है। फिर यहाँ सट्टाबाजी की भी बात आती है जो कि सामाजिक रूप से सही नहीं होती है, तथा ख्याति तथा साख में बनावट। बिल्कुल सही बात है, अगर लोगों को जन निक्षेप चाहिए तो हो सकता है वो कंपनी क्या करे, र्यूमर्स फैला दे कि हमारी कंपनी बहुत अच्छी है और ये आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, आप अपना जन निक्षेप लगा सकते हैं, अपना फंड लगा सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो राइवलरी कंपनीज होती हैं, मतलब विरोधी कंपनियां, ठीक है हम बोल सकते हैं, वो क्या करती हैं, दूसरी कंपनी के ख्याति को कम कर देती हैं, एक मार्केट में एक गलत बात फैला देना, र्यूमर फैला देना कि नहीं इस कंपनी के शेयर्स गिर रहे हैं, तो वहाँ पे भी जन निक्षेप अपने आप कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बात आती है जन निक्षेप तभी मिलेगा जब कंपनी की स्थिति ठीक है। ठीक है, अगर जन निक्षेप वहीं पे आप पर लोग ट्रस्ट करना बंद कर देंगे या आपको जन निक्षेप मिलना बंद हो जाएगा, अगर कंपनी का जो साख है या ख्याति है कहीं ना कहीं सही नहीं है, तो यहाँ जो कंपनी है उसकी ख्याति तथा साख को बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो बच्चों इस तरीके से हमने सार्वजनिक जमा या जन निक्षेप को समझा है और जाना है।